80% केसेस कोरोना के जितने भी हैं वो या तो माइल्ड सिम्टम्स हैं या तो वो एसिम्टोमेटिक हैं। माइल्ड सिम्टम्स का मतलब ये होता है कि उसमें जो भी सिम्टम्स होते हैं जैसे सर्दी, खांसी, फीवर या फिर ब्रेथलेसनेस, वो सब बहुत ही माइनर स्केल में हैं। और एसिम्टोमेटिक का मतलब होता है कि उसमें कोई भी सिम्टम्स नज़र ही नहीं आ रहे हैं। हम भारतवासियों के लिए इसका क्या मतलब है? क्या हम सभी को इससे डरने की ज़रूरत है? पूरा देश, पूरा दुनिया आखिर इससे चिंतित क्यों है? हमने इसके बारे में रिसर्च किया है जिसके बारे में हम पेश करेंगे आपके सामने में इस वीडियो में। अब सबसे पहला सवाल ये आता है कि एसिम्टोमेटिक केसेस के बारे में आखिर पता कैसे चलता है, क्योंकि एसिम्टोमेटिक केसेस में जब कोई सिम्टम्स ही नज़र नहीं आ रहे हैं तो उसका एक ही रास्ता है उसके बारे में पता लगाने का, और वो है टेस्ट। अब टेस्ट को लेके एक बहुत बड़ा चैलेंज सिर्फ हमारे सामने नहीं, सिर्फ भारतवासियों के सामने नहीं, पूरे दुनिया के सामने ये है कि इसका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बड़ा नहीं है कि 7 बिलियन की पॉपुलेशन का हर किसी का टेस्ट किया जा सके। ये पूरा हमारा हेल्थ केयर सिस्टम ओवरलोड हो जाएगा। तो उसके लिए भी अब एक रास्ता ये बचता है कि उन लोगों का टेस्ट किया जाए जो ऑलरेडी कोरोना पेशेंट के संपर्क में आ चुके हैं, तो उन लोगों का टेस्ट किया जाए। अब उन लोगों को क्या बारे में कैसे पता चलता है? उन लोगों के बारे में पता लगाने के लिए कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग किया जाता है। अब ये कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करने के दो रास्ते हो सकते हैं। या तो हम मैनुअली कॉन्टैक्ट को ट्रेस कर सकते हैं। मैनुअली कॉन्टैक्ट को ट्रेस करने का मतलब जो ऑफिसर्स होते हैं, जो या तो कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल जो अपॉइंटेड है जो उस केस को डील कर रहे हैं, वो उनके बारे में पूछताछ करें और कॉन्टैक्ट ट्रेस करें। एक तो मैनुअल ट्रेसिंग होगा, और दूसरा जो अभी के टाइम पे बहुत ही इनोवेटिव आइडिया जो सामने आया है जिसका बिल गेट्स ने भी तारीफ किया है, वो है आरोग्य सेतु ऐप के थ्रू। आरोग्य सेतु ऐप मुझे उम्मीद है कि आप में से हर कोई इंस्टॉल कर चुके होंगे। अगर आप नहीं किए हैं तो तुरंत सबसे पहले आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल कीजिए, क्योंकि वो आपके लिए नहीं, आपके आसपास के हर किसी व्यक्ति के लिए वो बहुत ही फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि उससे कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। क्या एसिम्प्टोमेटिक केसेस अनडिटेक्टेड रह सकते हैं? इसकी पूरी गुंजाइश है कि एसिम्प्टोमेटिक केसेस अनडिटेक्टेड रह सकते हैं, क्योंकि जब उसके बारे में पता ही नहीं चलेगा कि वो एसिम्प्टोमेटिक हैं और वो इन्फेक्टेड हैं, तो कैसे उनको टेस्ट किया जाएगा? तो बिल्कुल संभावना है कि एसिम्प्टोमेटिक केसेस के बारे में पता ही ना चले। प्री सिम्टोमेटिक केसेस और एसिम्टोमेटिक केसेस में डिफरेंस क्या है? अब प्री सिम्टोमेटिक केसेस का मतलब ये होता है कि उनमें सिम्टम्स नज़र आने लग गए हैं, और एसिम्टोमेटिक और उसके बाद उनका टेस्ट किया गया तो उनका कन्फर्म्ड इन्फेक्शन आया है, कन्फर्म्ड कोरोना पॉजिटिव आया है, उसका मतलब होता है प्री सिम्टोमेटिक। एसिम्टोमेटिक केसेस का मतलब ये होता है कि उनका टेस्ट किया गया है, कोई भी उनका सिम्टम नज़र नहीं आ रहा है तो भी से उनका टेस्ट किया गया और उनका कन्फर्म आया, तो उसको कहा जाएगा एसिम्टोमेटिक। कितने सारे एसिम्टोमेटिक केसेस प्री सिम्टोमेटिक में बदल जाते हैं? अब जैसा कि हमने देखा कि एसिम्टोमेटिक केसेस में कोई सिम्टम नज़र नहीं आ रहे होते लेकिन उनका कन्फर्म आ जाता है, तो ये तो बहुत ही मुश्किल है बता पाना कि कितने ऐसे आंकड़े हैं जो एसिम्टोमेटिक प्री सिम्टोमेटिक में, मतलब कुछ सिम्टम्स शो करने लगते हैं कुछ दिनों बाद। लेकिन दो इंटरेस्टिंग केस स्टडीज़ हुए हैं, एक हुआ है चाइना में और एक हुआ है डायमंड प्रिंसेस क्रूज शिप में। डायमंड प्रिंसेस क्रूज शिप एक कंटेंट लैब की तरह काम कर रहा था, और उसमें जितने लोग थे उसमें से 50% लोगों का कंफर्म केस आया जो कि एसिम्टोमेटिक थे, और उन 50% लोगों में से कुछ दिनों के बाद जब ऑब्जर्व किया गया तो ये पाया गया कि 75% लोगों में सिम्टम्स नज़र आने लगा, और 25% लोग ऐसे थे जिनमें कोई भी सिम्टम्स नज़र ही नहीं आ रहा था। अब एक सवाल यह उठता है कि एसिम्टोमेटिक में कोई भी सिम्टम्स नज़र क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि इसका आंसर बहुत ही सिंपल है, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम उससे लड़ पा रहा है। अब इसके दो कारण हो सकते हैं कि हमारा इम्यून सिस्टम उससे क्यों लड़ पा रहा है। या तो वायरल लोड, मतलब वायरल का जो पॉपुलेशन है, वायरस का जो पॉपुलेशन है वो हमारे सिस्टम में कम है, जिसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम उससे इफेक्टिवली लड़ पा रहा है। और दूसरा कारण ये हो सकता है कि हमारा इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि वो वायरस से बहुत ही भली भांति लड़ पा रहे हैं, और ये बहुत ही अच्छी बात है कि हमारा सिस्टम धीरे धीरे स्ट्रांग होते जा रहा है,
और ये जितने भी सिमुलेशन मॉडल हुए थे, जितने भी एपिडेमियोलॉजिकल मॉडल्स हुए थे, उन सब में यही प्रिडिक्शन आया था कि धीरे धीरे हमारा सिस्टम तैयार होगा और वो इस वायरस से लड़ पाएगा, इससे वायरस से लड़ पाने की क्षमता बना पाएगा। जितने भी मॉडल हुए उसके प्रिडिक्शन में ये बात सामने आया कि ज़्यादातर लोग या तो एसिम्प्टोमेटिक होंगे या तो उनमें माइल्ड सिम्टम्स होंगे, और इसके चलते और बहुत ही स्मॉल फ्रैक्शन फ्रैक्शन ऑफ पॉपुलेशन रह जाएगा जिनमें कुछ सीवियर और बहुत ही गंभीर समस्या देखने को मिलेगी। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि धीरे धीरे कम्युनिटी से बिलोंग करते लोगों का इम्यूनिटी बढ़ते जाएगा, और जब कम्युनिटी से बिलोंग करते लोगों का इम्यूनिटी बढ़ते जाएगा, सपोज़ किसी भी कम्युनिटी के 60 से 70% लोग इन्फेक्टेड हैं और वो इन्फेक्शन के चलते उनका इम्यूनिटी धीरे 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 बिल्डअप हो रहा है, और बिल्डअप होते होते एक समय ऐसा आएगा अगर हम लोग लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो कि वो आगे इन्फेक्शन को फैलने से रोक पा रहे हैं। तो लॉन्ग टर्म में रोकने के लिए ये धीरे धीरे एसिम्प्टोमेटिक और माइल्ड केसेस का बढ़ना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्या एसिम्प्टोमेटिक केसेस से भी ये वायरस फैल सकता है? तो जैसे कि नॉर्मल सिम्टोमेटिक कंडीशन होते हैं, प्री सिम्टोमेटिक केसेस होते हैं, उसमें जैसे कि वायरस फैलता है, शुरू के 24 घंटे बाद ही वायरस फैलाने की क्षमता बढ़ते जाती है, और जनरली 3 से 4 दिनों के बाद ये कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती है जो कि आने वाले 14 दिनों तक के चल सकते हैं। तो सेम उसी की तरह एसिम्प्टोमेटिक केसेस में भी वायरस फैल सकता है, लेकिन इसमें वायरस की फैलने की संभावना बहुत कम है इन कंपैरिजन टू प्री सिम्टोमेटिक। क्यों? क्योंकि जब छींक नहीं होगा, जब खांसी नहीं होगा, जो फ्लूड का ट्रांसमिशन होता है, सिक्रीशन होता है जिससे ये वायरस फैलता है, वो सब चीज़ें ही नहीं होंगी तो कैसे ये ट्रांसमिट होगा वायरस? तो फैलने की चांसेस तो हैं लेकिन कम है। क्या इस ट्रांसमिशन के फैलने को कंट्रोल किया जा सकता है? हम कभी भी इसको 100% रोकने में कामयाब नहीं होंगे, और इसका सीधा सा ये कारण है क्योंकि ये जो ट्रांसमिशन है वो उन लोगों के थ्रू होता रहेगा जो एसिम्प्टोमेटिक होंगे, जिनके बारे में हमको पता ही नहीं होगा कि वो ऑलरेडी इन्फेक्टेड हैं। ये उन लोगों के थ्रू फैलता जाएगा तो हम लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं चल पाएगा कि वो कैसे फैल रहा है। तो इस कारण हम लोगों को सावधानी बरतना भी ज़रूरी है कि बार बार हाथ धोते रहना है, मास्क लगा के बाहर निकलना है, और जो भी सरफेसेस आउटर कांटेक्ट में आता है उसको भी हम लोगों को वॉश करना है, और सेफ्टी से रहना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है। ऐसा अगर हम लोग करते हैं तो हम लोग प्री सिम्टोमेटिक और एसिम्प्टोमेटिक दोनों ही प्रकार के केसेस से हम लोग बच पाएंगे। लेकिन क्या इसको 100% रोका जा सकता है? तो 100% इसको कभी नहीं रोका जा सकता, और रोकना भी नहीं चाहिए। यही तो पूरा आइडिया है कि 100% इसको रोकना ही नहीं है। आपको लग रहा है कि लॉकडाउन इसको रोकने के लिए किया गया है, या फिर पूरे दुनिया में जो लॉकडाउन हुआ है वो इसको रोकने के लिए किया गया है? नहीं, इसका रफ्तार को कम करने के लिए किया गया है, क्योंकि रफ्तार जब कम होगा, धीरे धीरे जब ये लोगों में जाएगा, जब ये कम्युनिटी में जाएगा, तो धीरे धीरे कम्युनिटी की इम्यूनिटी बढ़ेगी, और इम्यूनिटी ही लॉन्ग टर्म में, जो कम्युनिटी की इम्यूनिटी बढ़ेगी वही लॉन्ग टर्म में इसको रोक पाएगा। इसका और कोई रास्ता है ही नहीं। इस कारण जितने भी गवर्नमेंट्स, आपको लग रहा होगा कि गवर्नमेंट्स अथॉरिटीज़ इसको रोकना चाह रहे हैं, लॉकडाउन का मतलब ये है कि इसको रोकना है, नहीं, लॉकडाउन का मतलब है कि इसको रफ्तार को धीमा किया जाए ताकि हमारा जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो ओवरलोडेड ना हो और हम इस सिचुएशन को संभाल सकें। तो धीरे धीरे इसको फैलाने का ही आइडिया है। तो आपको अपने दिमाग से लगा ये बात निकाल देना चाहिए कि इसको फैलने से रोकने के लिए लॉकडाउन किया गया है, नहीं, रफ्तार को धीमा करने के लिए इसको लॉकडाउन किया गया है। जब ऐसा है तो गवर्नमेंट हम लोगों को ये बात क्यों नहीं बता रहा है कि वो धीरे धीरे ये कम्युनिटी इम्यूनिटी को बढ़ाना चाहते हैं, धीरे धीरे इन्फेक्शन को फैला के? आपको लगता है कि गवर्नमेंट आपको ऐसी बात बताएगी और पैनिक फैलने देगी लोगों के बीच? अभी के टाइम पे जो हम लोग लास्ट चीज़ जो चाहते होंगे वो है लोगों के बीच पैनिक फैलना, क्योंकि इस वायरस से ज़्यादा खतरनाक पैनिक हो सकता है। इतनी बड़ी जनसंख्या को मेंटेन करने के लिए पैनिक तो बिल्कुल भी एक सही रास्ता नहीं है। इस कारण कोई भी गवर्नमेंट आपको ये बात नहीं बताएगा, कोई भी अथॉरिटी आपको ये बात नहीं बताएगा कि वो एसिम्प्टोमेटिक केसेस को बढ़ावा देने के लिए, धीरे धीरे इन्फेक्शन को फैलाने के लिए वो ये सब चीज़ों को कर रही है। लेकिन ये आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, जो भी इंटेलेक्चुअल पर्सन है, खास करके हमारे मॉडर्न बाबा फैमिली को, उनको हम ये बात बता रहे हैं। आपको भी इस बात से डरने की ज़रूरत नहीं है, बस आप अपनी सावधानी बनाए रखें और धीरे धीरे अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करते जाएँ। अब इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी आयुष मंत्रालय से कुछ कुछ निर्देश जारी हुए हैं कि हम लोग कैसे अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं।
जैसे कि एक सिम्हा क्रिया है जो कि सद्गुरु के द्वारा बताया गया है, वो हमारे लंग्स के कैपेसिटी को, लंग्स इन्फेक्शन वगैरह को प्रिवेंट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर है। इसके अलावा एक नीलावेम्बू कढ़ाई जो वो भी एक आता है जो हमारे, अगर हम लोग उसको सुबह शाम ले तो हमारा इम्यूनिटी बूस्ट हो सकता है। और ऐसे कई सारे और भी चीज़ें हैं जो आयुष मंत्रालय ने बताया है कि वो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकता है। उसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंक्लूड करके दे दूंगा, तो आप वो सब चीज़ों को देख सकते हैं और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने में ध्यान दे सकते हैं। बिल्कुल भी पैनिक होने वाली बात नहीं है, अपनी इम्यूनिटी को अगर आप बढ़ाते हैं तो आप बिल्कुल सेफ रहेंगे। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात ये है जो शायद आपने कभी सोचा नहीं होगा या फिर हो सकता है कि आपके माइंड में क्लिक ना किया हो, लेकिन ये वायरस आपको बिल्कुल भी मारना नहीं चाहता। और ये बात हम लोग बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे कह सकते हैं, जैसे कि इन्फ्लुएंजा, कॉलेरा और जो अन्य महामारी हुए थे जिसमें वायरसेस और बैक्टीरियाज फैल रहे थे, उसके बेसिस पे भी ये कहा जा सकता है। तो होता ये है कि ये वायरस जो है ये जीना चाहता है, ये फैलना चाहता है। तो अगर ये आपको, अगर ये फैलना चाहता है तो ये अगर आपको मार देगा तो उसके भी जीने की संभावना कम हो जाएगी। तो वो धीरे धीरे जो अभी बहुत ज़्यादा वॉयलेंट है, जो बहुत ज़्यादा अभी वॉयलेंट सिचुएशन में अभी है, वो अपनी क्षमता को धीरे धीरे कम करते जाएगा ताकि ये अपना साम्राज्य धीरे धीरे फैला सके और जीवित भी रह सके। तो वायरस जीना चाहता है, इस कारण ये आपको नहीं मारना चाहता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये अभी उस स्टेज में है कि अपना वॉयलेंट सिचुएशन कम कर दिया हो। ये अभी बहुत ज़्यादा खतरनाक है, इस कारण अभी बाहर निकलना भी खतरनाक है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग घर पे ही रहें और अपना इम्यूनिटी को बढ़ाने में ध्यान देते रहें। आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करें, आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करके अपने आप को और ग्रो करें और अपने आप को ज़्यादा क्षमतावान बनाएं। लेकिन आप अभी फ़िलहाल घर पे रहें, ये लॉन्ग टर्म में जब ये वायरस अपने आप को एडेप्ट करते जाएगा, ये उस सिचुएशन की बात है, तब ये वायरस आपको मारने की नहीं चाहेगा। अभी भी नहीं चाहता, लेकिन अभी ऑलरेडी इसके टेंडेंसीज ऐसे हैं कि ये आपको मारने की क्षमता ज़रूर रखता है। नॉर्मल इन्फ्लुएंजा वायरस से काफ़ी ज़्यादा इसका क्षमता है। और ये चीज़ स्वीडन के मॉडल में किया भी जा रहा है। स्वीडन के मॉडल में ये हो रहा है कि जो वहाँ के पॉपुलेशन है, उन वहाँ की यंग पॉपुलेशन को धीरे धीरे इससे एक्सपोज किया जा रहा है ताकि उनका कम्युनिटी इम्यूनिटी बढ़ता जाए। लेकिन साथ ही साथ ये भी ध्यान रखा जा रहा है कि वहाँ पर का जो बुज़ुर्ग पॉपुलेशन है उनको कम्प्लीटली आइसोलेट कर दिया गया है। उनको डेली नीड्स और खाने पीने का आइटम समय समय पर पहुँचाया जा रहा है, लेकिन यंग लोगों को बिल्कुल इससे एक्सपोज करके उनका कम्युनिटी इम्यूनिटी बढ़ाने का प्रयास जारी है। अब इंडिया के इतने बड़े पॉपुलेशन के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो इसको अप्लाई करना काफ़ी मुश्किल हो सकता है और रिस्क भरा भी हो सकता है। लेकिन ये काफ़ी इंटरेस्टिंग मॉडल है जो स्वीडिश मॉडल है, इस कारण मैं आपके सामने ये सब बात रखा। दोस्तों उम्मीद है कि आज का जो वीडियो है वो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा और साथ ही साथ आप इसको अपने लाइफ में अप्लाई भी कर पाएंगे, अपने आप को और भी ज़्यादा सुरक्षित रख पाएंगे और अपने आप की इम्यूनिटी बढ़ाने में ध्यान दे पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो और भी लोगों तक पहुँचे, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, कमेंट करें और लाइक भी करें, जिसके चलते हम लोग और भी वीडियो आपके सामने लेकर आ पाएंगे।